12, we'll start with the new head, that is condensation polymers. And you know that condensation polymers is being prepared by condensation polymerization, which I have already discussed you in my previous videos. And we'll see different types of it again, as we have seen in the additional polymers. The same way we'll focus on it, but every time you have to remember two points. If they are condensation polymers, then process or that is being used by which they are prepared is condensation polymerization. So very first one, we'll focus on polyamides. I am again telling you that in your syllabus they are not giving you these heads. They are only giving you the specific example for this, like polyamides. In this a specific example, nylon 6,6 is there. So they are giving you nylon 6,6, but this question has been asked in your board examination. So please don't ignore these heads, whatever is been given to you. So what does it means? Poly, it means they are the polymers of amides linkage. है ना, नाम में ही छुपा है. सो दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइड लिंकेज. नाउ व्हाट इज द अमाइड लिंकेज, दैट इज इम्पॉर्टेंट. देखो अमाइड होता है ये चीज COONH, ठीक है, ये अमाइड लिंकेज होता है आपका. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सी डबल बॉन्ड ओ एन एच एंड दिस इज, सो दिस इज़ द योर अमाइड लिंकेज. दिस थिंग यू, तो आप जो भी अपने कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन देखेंगे, आप देखेंगे कि दिस अमाइड लिंकेज, यू विल सी, आई विल शो यू. देखो हमने नायलॉन 6,6 पढ़ा, लेकिन मैंने तुम्हें वहाँ पे डिटेलिंग नहीं बताई थी, बट नाउ इज़ द टाइम व्हेन आई विल टेल यू अबाउट द डिटेलिंग ऑफ इट. नाउ हाउ दिस पर्टिकुलर अमाइड लिंकेज इज बीन फॉर्म, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो ओवर हियर आइदर यू यूज डाई बेसिक एसिड्स, सो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ डाई बेसिक एसिड्स विथ, ये हमने पढ़ा हुआ है, डाई अमीन्स, और या तो आप इन दोनों का रिएक्शन डाई अमीन्स ले. हमने देखो ये वाला ही यूज़ करा था, जो डाई बेसिक एसिड यूज़ करा था हमने और डाई अमीन्स का हमने यूज़ करा था, अभी मैं बताऊँगी. या फिर यू कैन यूज़ अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड, और यू कैन यूज़ अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड. सो दिस वे इज बीन, नॉर्मली पॉलीअमाइड्स आर ऑल्सो नोन एज नाइलॉन्स, ठीक है, ये भी याद रखना कि पॉलीअमाइड्स बोल दो या नाइलॉन्स की कैटेगरी बोल दो इन्हें, तो ये एक ही कैटेगरी में आते हैं. नाउ लेट्स फोकस वन बाय वन, एंड वी आर नॉट गोइंग ऑन डिटेल ऑफ इट. लेट्स फोकस ऑन द फर्स्ट पार्ट इज नाइलॉन 6,6. सो नाइलॉन 6,6 विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ नाम में कुछ आंसर नहीं मिलेगा. अब आपको पूरा देख के चलना है कि इसमें क्या होगा. ये बेसिकली पॉलीमर्स होते हैं, दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ पॉली हेक्सा एडेपेमाइड, ठीक है, ये चीज़ है, ये तो इसका नाम हो गया. बेसिकली नायलॉन 6,6 लिखा जाए पॉली हेक्सा, बेसिकली जो इनका मोनोमर यूनिट होते हैं, दे आर द पॉलीमर्स ऑफ, दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ हेक्सामिथिलीन डाइअमीन एंड एडिपिक एसिड, ठीक है. ये नायलॉन 6,6 कंडेंसेशन पॉलीमर है, इट इज़ प्रिपेयर बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन. और नायलॉन 6,6 को ये भी लिखा जा सकता है पॉली हेक्सामिथिलीन एडेपेमाइड, राइट. और पॉलीमर्स काय के हैं, दे आर द पॉलीमर्स ऑफ हेक्सामिथिलीन डायमीन्स एंड एडेपिक एसिड. बेसिकली दीज टूज, हेक्सामिथिलीन डायमीन्स एंड एडेपिक एसिड्स आर देयर मोनोमर यूनिट्स. तो इस दर दो डिफरेंट मोनोमर यूनिट्स से इलिमिनेशन भी होगा, ठीक है. चेन जो होती है वो भी डिपेंड करती है टेम्परेचर आप कैसा ले रहे हैं, टाइम क्या है, प्रोसेस कैसे चल रही है, उस हिसाब से. देखो वही पुराना रिएक्शन है जो हमने पहले ही यूज़ करा था, आज भी हम वही यूज़ कर रहे हैं. तो चलो सबसे पहले हम हेक्सामिथिलीन डायमीन को देखते हैं. हेक्सा मीन्स 6, मिथिलीन के लिए आप फॉर्मूला जो यूज़ करेंगे वो CH2 होता है ना, होल 6, ये हो गया, ये हेक्सा है, मिथिलीन CH2 लेंगे 6. डायमीन्स इज वॉट, NH2 इधर लिखिए, NH2 इधर लिखिए, अटैच देम विद द सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है. हम अभी फॉर्मूलेज लिख रहे हैं. एडेपिक ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें दो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, सॉरी सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पर भी मिथिलीन ग्रुप होता है लेकिन टेट्रा टाइम होता है चार बार, और सी डबल बॉन्ड ओ, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. दिस रिएक्शन आल्सो वी हैव सीन. नाउ वी विल फोकस ऑन दिस रिएक्शन पार्ट. ये दोनों है आपका, इसको आप एड ऑन कर लीजिए. हर बार आपको मालूम है चेन आप यूज़ करते हैं. अब यहाँ डायरेक्ट आंसर लिखना है,
है ना। तो बेसिकली यहाँ से देखिए ये पोर्शन होगा जो वाटर आपका निकालेगा, ठीक, यहाँ से भी वाटर निकलेगा, यहाँ से भी, इस जगह से भी वाटर निकलेगा। तो ये सारी प्रोसेस आपकी कैसी हो रही है, हीट रिक्वायर्ड है, प्रेशर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दिस रिएक्शन, ठीक है। अब आपको मैंने पहले ही सिखाया रखा है कि NN यू हैव टू पुट। अब आप अटैचमेंट करना शुरू करिए जो हम पहले करते हैं, NH, ठीक है, इसको सिंगल बॉन्ड लगाइए, यहाँ पे इसे जोड़िए CH2 होल 6 NH, यहाँ से H निकला वाटर, C डबल बॉन्ड हो CH2 होल 4 C डबल बॉन्ड हो, यहाँ से आपका OH निकल चुका है ना, ये देखो ये सब निकल चुका है, यहाँ से वाटर निकल गया, यहाँ से वाटर, एक N H रह गया जो मैंने ऊपर लिख दिया। क्लोज द ब्रैकेट एंड पुट एन ओवर हियर, बिकॉज यहाँ पर भी एन है, यहाँ पे भी एन, यहाँ पे अब वाटर निकलेगा। वाटर मैंने तुम्हें बताया था ना, बाय प्रोडक्ट वाटर निकल रहा है, तो वाटर आपको निकालना है, लेकिन आप क्या लगा दोगे, एन लगा दोगे। बेसिकली आपको मालूम नहीं है कि देखो कैसे और कितना निकल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो है। तो आप इसमें एन को 2N लगा के आप इसको माइनस कर दोगे, तो दिस वे यू कैन रिमूव द वाटर मॉलिक्यूल्स एवरी टाइम, एंड दिस वे यूर फॉर्म, दिस थिंग इज़ बीन फॉर्म। नाउ लेट्स फोकस वंस अगेन ऑन द अमाइड लिंकेज। नाउ वेर यू कैन सी द अमाइड लिंकेज, दोबारा से हम लिख दे रहे हैं सी डबल बॉन्ड ओ और एन एच। अगर ये दिखने लगे आपको, ये कहाँ लिख रहा है, किस जगह दिख रहा है आपको, इस जगह दिख रहा है, ये देखिए इनने इसी चीज़ को कैसे लिख दिया, इस तरफ लिख दिया है, मतलब ये सिनेरियो ये ऐसे ना लिख के, ये एन एच ऐसे, और ऐसे भी नहीं है, ये लिख के इनने दे हैव रिटन इन दिस मैनर। तो दिस इज़ द अमाइड लिंकेज एंड दिस यू आर सीइंग दिस साइड, ये है आपका अमाइड लिंकेज, ठीक है, इसीलिए इसको पॉलीअमाइड के कैटेगरी में रखा गया। सो आई थिंक दिस मच इज़ क्लियर टू यू। नाउ दिस इज़ द यूजेस आल्सो, थ्रेड्स बनाने में, स्ट्रिंग्स रोप्स बनाने में, और ब्रश के जो आगे वो ब्रशेस लगे होते हैं, टेक्सटाइल्स में जो ब्रशेस यूज़ होते हैं ना, उसमें आगे जो नहीं होता ब्रश के आगे का हिस्सा होता है, वो सब चीज़ें बनाने में ये यूज़फुल होता है। नाउ द नेक्स्ट थ्रेड इज़ नायलॉन 6, जिसको पर्लॉन भी बोलते हैं। ये बेसिकली पॉलीमराइजेशन, वो ये कंडेंसेशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू इट इज़ बीन ऑब्टेन। नाउ द मोनोमर यूनिट, देखो अब यहाँ सब डिफरेंट आ रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ याद करना पड़ेगा आपको, कैप्रोलैक्टम इज़ द मोनोमर यूनिट ऑफ इट, ठीक है, ये इसका मोनोमर यूनिट होता है, दिस यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है, एंड इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द साइक्लोहेक्सीन। एक्चुअली जब हम इसका देखते हो तो आपको पूरा प्रिपरेशन देखना पड़ता है कि जो कैप्रोलैक्टम है वो कहाँ से बना है। इट इज़ बीन ऑब्टेन फ्रॉम योर पेट्रोकेमिकल्स, ये एक पेट्रोकेमिकल सब्सटेंस के थ्रू बनता है, जैसे कि फ्रॉम योर साइक्लोहेक्सीन। तो आपको ये प्रोसेस जब आप बनाओगे नायलॉन 6-6, तो आपको साइक्लोहेक्सीन से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि साइक्लोहेक्सीन से पहले आप कैप्रोलैक्टम बनाएंगे, फिर आप अपना नायलॉन 6 बनाएंगे। तो कैसा, देखो साइक्लोहेक्सीन हेक्सेन है, हेक्सेन का मतलब होता है 6, साइक्लो है, तो आपको इस तरह से रिंग बनानी हो, आप कोई डबल बॉन्ड इसमें नहीं लगेगा, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन होता है, ये देखो रिएक्शन हैं, दिस यू हैव टू लर्न ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीडेशन होगा तो इसमें फर्स्ट पोजीशन में, आप कहीं पे भी बना लो फर्स्ट पोजीशन, ऐसा कोई इशू नहीं है, तो आप इसमें ये मत लगाना गलती से लग गया, ये डबल बॉन्ड वो, सो दिस थिंग इज़ बीन देयर। तो ये साइक्लोहेक्सेन ये है, ये आपका साइक्लोहेक्सेनॉन बन जाता है, ठीक है। अब फर्दर इट्स रिएक्ट्स विथ योर NH2OH, जब NH2OH के साथ ये रिएक्ट करता है तो इसमें से आपका वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो अटैचमेंट होगा, कुछ तो निकलेगा, तो वाटर मॉलिक्यूल अब बना क्या, फर्दर तुम यही रिंग बनाओगे हेक्सेन की, ठीक है, और इस पर डबल बॉन्ड लगा के NOH लगा दोगे। अब बहुत ध्यान से देखो ये नाम क्या बना, साइक्लो, सब नए नए नाम है आपके लिए, हेक्सेनॉन क्योंकि ऑक्सीजन तो अभी भी हटा नहीं है, और ऑक्सीन, इसको ऑक्सीन बोलते हैं। फर्दर ये रिएक्शन, यही कंपाउंड जो आपका बना है, ये फर्दर रिएक्ट करता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के सिंस पर, इसको हम बेकमैन रीअरेंजमेंट कहते हैं, रीअरेंजमेंट। अभी पूरे मॉलिक्यूल में ना बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे और रीअरेंजमेंट्स होगा, मतलब यही जो मॉलिक्यूल्स अंदर, सॉरी जो एटम्स लगे हुए हैं, अलग अलग मोड। अब इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है वो इस जगह शिफ्ट हो जाता है अपने डबल बॉन्ड के साथ, ठीक है, तो आप इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये बिल्कुल चेंज हो जाएगा, कैसे दिखेगा अब ये थोड़ा चेंज है, ये ऐसे नहीं बनेगा, ये अब मॉलिक्यूल्स चेंज हो गए हैं इसके,
ये हो गया ऐसे, इस तरह से ये, देन दिस वे एंड दिस वे. सो ओवर हियर यू पुट योर डबल बॉन्ड, दिस साइड पुट ऑक्सीजन हियर, एंड ओवर हियर विल बी एन, ओवर हियर विल बी योर एच. दिस इज योर कैप्रोलेक्टम. अब आपका कैप्रोलेक्टम बन गया. अब ये कैप्रोलेक्टम फर्दर पॉलीमराइजेशन पे जाएगा. आप देख रहे हैं कितनी बड़ी रिएक्शन और बोर्ड में आ चुकी है. पॉलीमराइजेशन पे जाएगा एंड इट विल ब्रेक. ये टूटेगा. कैसे टूटेगा, लेट्स फोकस ऑन इट. अब यहाँ से देखो, यहाँ पे ये जब अगर टूटेगा तो यहाँ पे कार्बन होगा. ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं, ऐसे तोड़ते हैं हम लोग. ठीक है, इधर हमने करा तो हमारे पास आया सी डबल बॉन्ड हो. यहाँ से तोड़ना शुरू करा, कार्बन पे अटैच्ड है ना, सी डबल बॉन्ड हो. अब यहाँ से हम अपना कार्बन्स को लेके चलते हैं. यहाँ देखिए, वन कार्बन, टू कार्बन, थ्री कार्बन, फोर कार्बन एंड फाइव. ठीक है, ये फाइव कार्बन्स. यहाँ तो कार्बन हट चुका है ना, क्योंकि एक्स्ट्रा कार्बन तुमने कहीं अटैचमेंट ही नहीं करा है. कि तुम सोच रहे हो कि यहाँ पर भी कार्बन अटैच है, यहाँ मैंने नाइट्रोजन से अटैच करा है. ठीक है, तो यहाँ देखो सिक्स कार्बन, क्योंकि हेक्सेन लेके चले थे तो छः कार्बन दिख रहे हैं. एक कार्बन यहाँ था जिसपे हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, ऑक्सीजन को फिट कर दिया. या वन टू थ्री फोर फाइव, तो यहाँ पे आपका जो CH2 ग्रुप है, CH2, उस पर कितने आ रहे हैं, फाइव. फाइव हमने नोट कर लिया है. अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास पार्ट बचा है इसका, N सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड तो है नहीं. अब बैलेंसिंग करो. देखो ये बैलेंस नहीं है, तो यहाँ एक बॉन्ड लगाना पड़ेगा. ये अभी तक ये रिंग फॉर्म में था, ये बैलेंस शेयरिंग में चल जा रहा था, लेकिन अब ये सिंगल बॉन्डेड में, सिंगल स्ट्रेट चेन का बॉन्ड में बन गया है. तो आपको बैलेंस करनी है. अभी कार्बन भी नाइट्रोजन की भी तो तीन वैलेंसी होती है, तो एक आपको बॉन्ड यहाँ लगाना पड़ेगा. अब इसको आप ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और यहाँ पे एन लगाइए एंड पुट एन ओवर हियर. सो दिस वे योर दिस नायलॉन सिक्स विल बी फॉर्म, जिसको हम परलॉन बोलते हैं. ठीक है, यूजेस वही हैं, आप रोप्स बनाने में काम आते हैं, फैब्रिक सैंड और टायर कॉर्ड्स होते हैं, उन सबको बनाने में ही काम आते हैं. ठीक है, ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ वही सब लर्न करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कोर्स में सिर्फ इक्वेशन है, मोनोमर यूनिट्स हैं और यूज़ पूछा गया, दैट्स इट. नेक्स्ट साइड है आपकी फॉर्मल्डिहाइड रिजन है. इसमें आपको हर बार फॉर्मल्डिहाइड तो ज़रूर दिखेगा एज अ मोनोमर यूनिट, और बाकी चेंज होता रहेगा, क्योंकि हमारे कोर्स में दो हैं, एक तो मेलानिन फॉर्मल्डिहाइड रिजन है और दूसरा हमारा फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रिजन है. तो उसमें दो एग्जांपल्स हैं. एक तो प्लस पॉइंट है कि एवरी टाइम वन मोनोमर यूनिट यू विल रिमेंबरिंग दैट इज़ फॉर्मल्डिहाइड, और दूसरा आप याद कर लीजिए, इधर फिनोल है, मेलानिन है. नाउ लेट्स फोकस ऑन दिस पार्ट, द फर्स्ट वन, जिसको हम बैकलाइट, इसको बैकलाइट भी बोलते हैं. ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर, इसको भी मेलानामीन फॉर्मल्डिहाइड को हम मेलानामीन पॉलीमर के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, ये आपका थर्मोसेटिंग में आता है. ठीक, ये हम पहले देख चुके हैं. नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट पार्ट, द फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रिजन. मोनोमर यूनिट्स तो नाम से दिख गए हैं, इसको डिटेलिंग में ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है. बट एक प्रोसेस में इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये जो प्रोसेस जो होती है, इसमें आपको कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है. कैटलिस्ट जो होता है वो आपका बेसिक कैटलिस्ट, यू यूज़ इट एंड वॉट एवर द फिनॉल. देखो फिनॉल का रिएक्शन, अगर फिनॉल देखते हैं हम, फिनॉल इज़ दिस थिंग, बेंजीन की नहीं है, OH है. और फिनॉल की कंडीशन क्या होती है, वो या तो ऑर्थो या पैरा डायरेक्टिंग होता है. ऑर्थो समझ रहे हो ना, ये ऑर्थो, ठीक है, मेटा एंड पैरा, ये क्लास 11th में तुम लोगों ने पढ़ा है. तो फिनॉल जो है अपना रिएक्शन है या तो ऑर्थो पोजीशन में देगा या पैरा में, लेकिन इधर रिएक्शन में ऑर्थो पैरा में दे सकता है, दोनों जगह दे सकता है, एक में दे सकता है, इसका कोई इशू नहीं है. तो लेट्स स्टार्ट विद द रिएक्शन पार्ट. ये चीज़ आपको समझ में आ गई, तो हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं. फिनॉल ने, अब तो फिनॉल का फॉर्मूला बनाना आ ही गया है. ठीक है, फिनॉल ने रिएक्शन करा फॉर्मल्डिहाइड के साथ. इफ़ यू रिमेंबर द फॉर्मल्डिहाइड, इट इज़, दिस इज़ फॉर्मल्डिहाइड, पर इसको ऐसे नहीं लिखना है, इसको ऐसे लिखना है. ठीक है, ये है फॉर्मल्डिहाइड, बट यू हैव टू राइट डाउन व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट. बेसिक कैटलिस्ट इज़ बीन रिक्वायर्ड. आप देख रहे हैं ना, सब नया है, इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको. अब ये रिएक्शन तुम्हें मालूम है कि फिनॉल जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ये, तो ये जो भी फॉर्मल्डिहाइड की चीज़ें लगेंगी वो सब आपकी ऑर्थो पैरा पोजीशन लगेगी. देखो कैसे लगेंगी, ये देखो, ये फिनॉल है, इस चीज़ को तुम अटैच कर दो. कैसे, CH2 OH, और इधर भी तक ला लो,
ये ऑर्थो पोजिशन पे है, ये पैरा पोजिशन में है ना, तो ईजी है ना। इसको आप कंडेंस करके रख दो, कैसे लिखोगे, सी कितना है, ये एच टू है ना, ओ एच है, क्योंकि देखो बेसिकली क्या होगा ना, ये दूसरा जो एच आएगा वो कहाँ से आएगा, ये इंपॉर्टेंट, ये तो समझ में आ गया यहाँ तक फॉर्मल्डिहाइड का, ये एच है जहाँ पे भी अटैच्ड होगा कार्बन हाइड्रोजन से लिंकअप होगा, तो वहाँ से हाइड्रोजन आपको मिल जाएगा, उससे वो अटैचमेंट हो जाएगा, कहीं बाहर से तो हाइड्रोजन आएगा नहीं, ठीक है। और बेस भी है आपका, बेसिक कैटलिस्ट का बेस है, तो बेसिकली आपको ये ध्यान देना है कि इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ आपकी बनेंगी। अब नाम बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ऑर्थो पोजिशन पर है, ठीक है। दूसरा ये ओ एच ग्रुप है, ओ एच ग्रुप के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हाइड्रोक्सी, सी एच टू क्या बोलते हैं, मिथाइल, और ये पूरा पोर्शन क्या है, फिनॉल, तो फिनॉल इसका नाम तो कर ही लोगे, बस यही नाम रहेगा, सिर्फ क्या लग जाएगा, पैरा लग जाएगा, पी लग जाएगा, पैरा के लिए हम पी यूज़ करते हैं, तो सेम कंडीशन होगी, पी लगा के आप ये नाम यूज़ कर, ये लिख दीजिएगा, ये इसका नाम होगा, ठीक है। तो दिस थिंग इज़ बीन देयर। अब नाउ यू विल टेक द ऑर्थो वंस, ठीक है। अब ऑर्थो आपने हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल आपने यूज़ करा, आप देखो इसका अटैचमेंट देखो, देखो ये मॉलिक्यूल मैं तुम्हें समझा दे रही हूँ, लेकिन तुम डायरेक्ट लिखना, सपोज़ करो ये तुम्हारा अपना मॉलिक्यूल है, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा अटैचमेंट था सी एच टू ओ एच पार्ट पे दिस थिंग, जैसे मैंने यहाँ पे ऑर्थो पोजिशन वाला ले लिया है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल है ना, ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल ये हमने यूज़ कर दिया। अब हमने क्या करा है देखो, अब हम इसको समझेंगे, आंसर तो आ जाएगा, लेकिन इस आंसर को समझना भी ज़रूरी है कि कैसे क्या हुआ होगा। अब ये देखो, ये आपकी बेंजीन की रिंग है, इसमें फिनॉल ग्रुप लगा है, इसको ऐसे लिख लो सी एच टू ओ एच। अब देखो कैसे ये पॉलीमर बनाएगा, अब तुमने ऐसे दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया, ठीक है, तुम्हें वाटर, देखो यहाँ माइनस वाटर लिखा है, तुम्हें ये तो पता होना चाहिए तुम वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से निकाल रहे हो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे जो ओ एच है, इधर से भाई एच तो है ही ना, तो इधर से एक एच निकलेगा और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल, यानी जो अटैचमेंट होगा इसका बेसिकली वो ऐसे दिखेगा, देखो, ठीक है, सी एच टू हो गया, ये इससे जुड़ गया बेंजीन रिंग के साथ, थोड़ा अच्छा सा बना लेना, मेरा थोड़ा गड़बड़ बन रहा है, ठीक है। ऐसी यहाँ पे भी कंडीशन रहेगी, ये ओ एच हट जाएगा, ये सी एच टू जुड़ेगा, ऐसे यहाँ से भी एच हट जाएगा, है ना, एक एच निकलेगा, तो यहाँ भी क्या जुड़ जाएगा आपका सी एच टू, ये एक चेन बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती, दिस वे यू कैन हैव योर मेन रिएक्शन। अब इसको ऐसे ना लिखना भाई, कितना तुम जोड़ते चलोगे, हर बार तो मैंने फिर एक बेंजीन रिंग यहाँ पे अटैच करो, फिर एक ओ एच चलाओ, फिर तो इतना बड़ा तो आप लिखोगे नहीं ना, ये तो आपको अंदर की प्रोसेस समझ में आएगी, लेकिन एक्चुअल में अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, तो प्रोसेस तो समझ में आ गई ना अटैचमेंट की। अब देखो इसको, अब हमें लिखना जब है तो हाउ वी कैन राइट डाउन, तो आप लिखोगे एक अटैचमेंट दिखा दो इसका, 10 दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो भाई स्टॉपल बिल जैसी चीज़ तो है नहीं, होल एंड, ठीक है। अब ऊपर भी जब आपने जो शुरुआत करी है, यहाँ पे आप एन लिख दीजिए, तो यहाँ पे आपका जो ये पॉलीमर बना है, ये लीनियर पॉलीमर बन रहा है, दिस इज़ अ लीनियर पॉलीमर, जिसको हम नोवेलैक बोलते हैं, नोवेलैक पॉलीमर, ठीक है। पेंट्स, नोवेलैक पेंट्स सुने आपने, नोवेलैक एड्स बहुत आते हैं, तो वो चीज़ होती है। और अगर ये क्रॉसलिंग स्ट्रक्चर्स में बन जाए, ये तो स्ट्रेट चेन है तो नोवेलैक पेंट्स में से, लेकिन अगर यही क्रॉसलिंग में बन जाए कंडीशन, तो वो बैकलाइट हो जाती है। अब चलो क्रॉसलिंग भी देख लेते हैं कैसे बन रहा है। नाउ लेट्स वी आर फॉर्मिंग नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट बैकलाइट, नोवेलैक तो आपने देख लिया, अब इसमें आपने ऑर्थो पैरा दोनों लेना है। अब देखो इसका अटैचमेंट समझ लो, डायरेक्ट तो हम बना ही देंगे, हर बार देखो वाटर आपको निकालना है ना, तो वाटर जब आप निकालोगे तो ये रहा आपका ओ एच, अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कैसे आपको अटैचमेंट करना है, यहाँ से आप सी एच टू, फिर ये अटैचमेंट हुआ इसका ओ एच, ठीक है, नीचे है सी एच टू आएगा आपका, ठीक है, यहाँ पे आप फिर अटैचमेंट करिए, यहाँ फिर एक और मॉलिक्यूल आ जाएगा आपका, तो आप फिर सी एच टू अटैचमेंट करेंगे, फिर आपकी बेंजीन रिंग आपकी चलेगी, दिस वे इट विल लुक लाइक, ठीक है ना, ये ऐसे दिखेगा हर बार। देखो हमने अटैचमेंट करते जा रहे हैं, बुक्स में कुछ चीज़ें गलत लिखी है कि चेंज कर लेना है ना, और ये इसको बॉन्ड्स को लगा देना, ये हर बार जुड़ता जाएगा, आपने सिखाई दिया आपने, और इसको बॉन्ड्स को ऐसे अपना क्लियर कर लीजिए, ठीक है, और इसमें आप पूरा होल स्क्वायर लगा के और होल एन लिख दीजिए, ये बेसिकली क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर बन गया है आपका
क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर बन चुका है आपका, या क्रॉस लिंक पॉलीमर बनाया है जो कि आपका बेकेलाइट है, इट्स अ बेकेलाइट. सो दिस वे यू कैन फॉर्म, इट इज़ यूज इन कॉम्स विच यू आर यूजिंग, ठीक है, फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स, ये सब चीज़ें आपकी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आता है, ठीक है, और हैंडल्स ऑफ कुकर्स जो होते हैं और वेरियस यूटेंसिल्स में ये यूज़ होता है. नाउ नेक्स्ट इज स्मेल अमीन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर. फ्रॉम द नेम यू कैन अंडरस्टैंड द मोनोमर यूनिट्स, स्मेल अमीन एंड फॉर्मल्डिहाइड आर द मोनोमर यूनिट्स. नाउ व्हाट इज फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मूला इज नोन टू यू. स्मेल अमीन थोड़ा नया है आपके लिए, तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि व्हाट इज स्मेल अमीन. स्मेल अमीन इज बेसिकली 2,4,6 ट्राई अमीनो 1,3 देन 5 ट्राई अजीन. देखो सब नए वर्ड्स हैं तो थोड़ा याद करना पड़ेगा. और दूसरा आपका जो मोनोमर यूनिट है वो फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक है. अब मेलामीन का फॉर्मूला देख लो क्या कह रहा है. 2,4 ट्राई अमीनो, ठीक है, 1,35 ट्राई अजीन. लेट्स सी, 6 टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 पोजीशंस हैं, 1, 2, 3, 4 यानी एक तरह की बेंजीन रिंग जैसी बने, लेकिन वो आपको उन सब पे अटैचमेंट नाइट्रोजन से करना पड़ेगा क्योंकि हर बार अमीन्स का रिलेटेड है. लेट्स स्टार्ट विद दिस थिंग. इसको NH2 या अटैचमेंट होगा, इसको ऐसे करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. एन NH2, ये NH2, ये अमीन्स हैं, ऑल्टरनेटिव में इसमें डबल बॉन्ड लगते हैं, ठीक है, तो ये मेल अमीन है आपका, ऑल्टरनेटिव्स में डबल बॉन्ड भी हैं आपके. सो दिस वे यू कैन राइट डाउन फॉर्मल्डिहाइड, वही पुराने तरीके से हमें लिखना है जो पीछे सीखा था हम लोगों ने, ठीक है. अब इसका अटैचमेंट देखो हम कैसे करेंगे, कहीं पर भी इसको अटैच कर दो, सपोज करो यहाँ अटैचमेंट कर दो, तो कैसे आप अटैच करोगे वो देख लेते हैं. एन पहले ऐसे करते हैं, रिंग बना लेते हैं तो हमारे लिए आसानी रहेगी, गड़बड़ी नहीं होती है फिर. एन यहाँ पे NH2, यहाँ पे NH2, ऑल्टरनेटिव बॉन्ड्स, ऑल्टरनेटिव पोजीशन में डबल बॉन्ड्स लगाइए. यहाँ देखो ये और इन सब का अटैचमेंट करना है, तो NH CH2O और इधर से एक H जुड़ जाएगा जैसे हमने पहले करा था, ठीक है. ये क्या होता है आपका रिजन इंटरमीडिएट, ठीक है. अब फर्दर इसको पॉलीमराइजेशन पे ले जाओगे आप, पॉलीमराइजेशन में व्हेन यू गो फॉर पॉलीमराइजेशन हाउ इट इज़ बीन देयर, तो ये यहाँ पे चेंजेस हो जाएंगे. यहाँ से आपका वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा. अभी देखो हर जगह आपका ऑल्टरनेटिव में डबल बॉन्ड तो जैसे था पहले था, अब इन केसेस में देखो यहाँ पे एक एच हट जाएगा और ऐसे ही बॉन्ड अपना सेटिस्फाइड करेगा. इधर से OH निकलेगा, वाटर निकलेगा, यहाँ से एक एच निकलेगा, है ना, हर जगह इस तरह से आपकी पॉसिबिलिटीज़ आएगी. और आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रख दीजिए जैसे हमेशा लिखते हैं और होल एन से लिख दीजिए. सो दिस वे द पॉलीमराइजेशन टेक्स प्लेस. सो दिस इज़ वॉट मेलामीन पॉलीमर इज बीन फॉर्म्ड. दिस इज़ द लास्ट वन विच वी आर फोकसिंग ऑन इट. ये आपको डिनर सेट्स बनाने में कप्स हैं, प्लेट्स हैं, है ना, मेलन्स के यूटेंसिल्स आते हैं ना, क्रॉकरी आती है मार्केट में, आप बहुत ज़्यादा खरीदने जाते हो डिनर सेट्स, तो वो मेलनिन के बने होते हैं, तो दे आर अनब्रेकेबल होता है, जल्दी में टूटते भी नहीं है, गिर भी जाते हैं, हार्ड होते हैं ना, क्रॉकरी वेयर्स में यूज़ होते हैं. तो दिस टाइप ऑफ नॉन ब्रेकेबल प्लास्टिक क्रॉकरीज होती है, अब लोकल वाले नहीं, लेकिन जो अच्छे मेलनिन्स होते हैं अगर आप उनको नॉन ब्रेकेबल प्लास्टिक्स होते हैं वो टूटते नहीं हैं, ठीक है. तो आप कुछ भी लिख लीजिएगा, डिनर सेट्स हैं, कप्स हैं, प्लेट्स हैं, एनीथिंग यू कैन राइट डाउन हुए. नाउ वी हैव कंप्लीट आर दिस पार्ट एंड वी विल फोकस, ये सब हम कंडेंसेशन पॉलीमर्स में पढ़ रहे थे. अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियोस चलेंगे उसमें हम रबर्स में पढ़ेंगे. रबर्स में हम आपको नेचुरल रबर्स और सिंथेटिक रबर्स का बताएंगे, उसी में बता देंगे कौन एडिशनल पॉलीमर्स बना रहा है, कौन क्या बना रहा है, तो वी विल फोकस ऑन दैट पार्ट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.